नमस्कार। आज का जो हमारा जो हमें मिला है हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं साहब आप सभी लोगों के लिए एक दोहे का मैं इस्तेमाल करूंगा ही, क्योंकि ये भी मौका बार बार नहीं मिला। मैं आप लोगों को राम कहूं कि कृष्ण कहूं, कि कहतो कलयुग का अवतार तुम्हें और आदरणीय नरेंद्र जी और पूरी टीम करता हूं सत सत नमस्कार। शिकवा हमें मंजूर नहीं और ना ही कोई बहाना होगा, और हमारी खुशियों की कसम कर्मयोग की तो बढ़ा दिया, कर्मशील भी बढ़ाना होगा। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं कि किसी क्षेत्र का डाकघर नागरिक की समस्या का जल्द हल खोजने में सक्षम है। ग्राहकों को लगता है कि अगर कोई समस्या है तो भारतीय डाक उनके लिए हर उसको हल करेगा। उस ग्राहक को ट्रस्ट कोमीटर का स्तर काफी ऊंचा होता है। जब हम करीब से देखते हैं तो हम देखते हैं कि अब इसको कौन एक आदमी एक्सप्लेनेशन करेगा, खड़ा होकर के आदमी पढ़े। किसी क्षेत्र का डाकघर नागरिकों की समस्याओं को जल्दी हल खोजने में सक्षम है। ग्राहकों को लगता है कि अगर कोई समस्या है तो भी भारतीय डाक उनके लिए उसको हल करेगा। उनके ग्राहकों का ट्रस्टोमीटर का स्तर काफी ऊंचा है। जब हम करीब से देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि ये है क्षेत्र के विभिन्न डाकघरों में कार्यरत कुछ कर्मचारी। पहली कर्मचारी है पीए चरित्रा। पीए चरित्रा को डिलीवरी और संबंधित बीमों की पूरी जानकारी नहीं है। दूसरे है पीए कुमार। पीए कुमार को बीमा के बारे में अच्छी जानकारी है। क्लेम के मामलों और आमतौर पर आने वाली आपत्तियों का उन्होंने अध्ययन किया है। वह क्लेम आवेदन पत्र पर इस तरह लिख सकते हैं कि कोई आपत्ति ना आए। तीसरी है पीए स्मिता। तकनीकी से जुड़े मामलों को सुलझाने में काफी अच्छी सक्षम है। आइए देखें कि वे कैसे काम का प्रबंधन करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बड़ा स्पष्ट पढ़ा है उन्होंने। और अब हम इसमें देख रहे हैं हाँ, तो इसमें ये दर्शाया गया है कि तीनों जो है ना अपनी अपने फील्ड में तीनों एक्सपर्ट हैं। किसी को कोई काम की मास्टर है, कोई किसी काम की मास्टर है और कोई किसी काम का मास्टर है, और तीनों मिलकर के उस काम को ये कितने अच्छे और बेहतर ढंग से कर सकते हैं कोई बताएगा। चलो अगली चलो नेक्स्ट। तो अब ये नेक्स्ट है, इसको कौन पढ़ेगा? कोई सर प्लीज। अरे उस तकनीकी समस्या की वजह से लेन देन अटका हुआ है, ब्रेक डाउन, मुझे स्मिता का फोन करना चाहिए, हो सकता है कि वह कोई रास्ता जानती हो। ये चरित्रा बोलती है। आगे है, मुझे क्लेम में जुड़े आम आपत्तियों पर एक गाइड बनानी चाहिए और इसे दूसरे के साथ साझा करना चाहिए, इससे उन्हें अपने ग्राहकों की सेवा करने में मदद मिलेगी। ये कुमार जी कहते हैं। उसके बाद, इस ग्राहक को क्लेम आवेदन के लिए मदद चाहिए, मुझे कुमार से पूछना चाहिए कि इसे कैसे करना है। ये सुमिता बोलती है। यहाँ क्या टीम वर्क दिखाया जा रहा है, यह ट्रस्ट कैसे बनाएगा? जानकारी की कमी के कारण नागरिकों की सेवा करते समय हमें जिन आम समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके बारे में सोचें। उदाहरण साझा करें कि हम कैसे जानकारी साझा कर सकते हैं और हल खोजने के लिए टीम वर्क का उपयोग कर सकते हैं जो नागरिकों के साथ ट्रस्ट बनाता है। थैंक यू सर सो मच। तो अब मेरे अंकित जो साथी हैं वर्मा जी, ये अपना पार्टिसिपेट करेंगे। नमस्कार सभी को, मैं अंकित वर्मा डी डिवीजन से आपका पैसा मिलने के लिए।
इस स्लाइड में हम टीम बिल्डिंग के इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह टीम बिल्डिंग वर्क करते हैं। तो इसमें इस कैरिकेचर में देख रहे हैं कि ये पी एच चरित्रा है, हमारे पी एच मित्रा है। ये तीनों अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनते हैं और किस तरह से तीनों मिलजुल कर किस समस्या को हल कर पाते हैं और किस तरह टीम बिल्डिंग वर्क करती है उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे एक अगर पी एच चरित्रा को किसी चीज में डिफिकल्टी आती है तो पी ए कुमार की हेल्प करता है और पी एस मेहता को मदद की जरूरत पड़ती है तो पी ए कुमार की हेल्प करता है। पी एच चरित्रा इस तरह का कोऑर्डिनेशन करते हैं, आपस में एक टीम बिल्डिंग के तौर पर काम करते हैं। उसी तरह हम लोग भी कर सकते हैं। कभी आपका ज्यादा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपने टीम बिल्डिंग के रूप में काम किया हो? सर बहुत बार होता है हमें से प्रत्येक को सारी जानकारी नहीं होती, कोई हो सकता सेम बैंक का मास्टर है, कोई पी एल आई का मास्टर है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है जब हमने जैसे मेरे पास कोई आ गया पी एल आई के लिए सर क्लेम फॉर्म कैसे बढ़ा है नहीं बढ़ना रहे पूछना है तो मैं किसी पी एल आई का जो जानकारी उससे कर लेता हूँ उसको बता देता हूँ। और कोई आपके साथ अनुमान भी इतना बताया कि जिसके साथ कभी वो घटना हुई है टीम बिल्डिंग काम आई उसकी कोई भी यहाँ हम देखते हैं पी मोहित कुमार जो एस पी एम वी एफ मुजफ्फरनगर है, इन्होंने किस तरह अपने ग्राहक के पास ग्राहक की समस्या का टीम बिल्डिंग के थ्रू सोल्यूशन किया। इस समस्या को पढ़ेगा कोई? मोहित कुमार ने यहाँ एक घटना के बारे में बताया है। एक बार एक ग्राहक हमारे डाक आई, उनका कोई सामान लखनऊ में फंस गया था, उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। वे जानना चाहते थे इस बारे में क्या किया जाए, उन्हें कुछ अपडेट भी चाहिए था। मैंने अपने परिचित डाक सहायक से संपर्क किया, उनका हाल ही में लखनऊ में तबादला हुआ था। मैंने पाया पैकेज तो वहाँ पहुँच गया है लेकिन किसी कारण से डाकिये के पास ही रुका हुआ है। हमने मामला समझा और अपने सीनियरों से बात की, फिर हम सही पते पर सामान पहुँचाने में कामयाब हो गए। हमें अच्छा लगा कि हम सब ने मिलकर किसी जरूरतमंद इंसान की मदद की। इस मामले को समझे, नंबर एक है यहाँ क्या टीम वर्क दिखाया गया है। समस्या को हल करने के लिए एक टीम के रूप में काम करने वाले सभी अलग अलग लोग कौन थे। नंबर दो में है इसने ट्रस्ट बनाने कैसे मदद की। नंबर तीन ग्राहक की इसी तरह की समस्याओं को हल करने के लिए डाकघरों के बीच समस्या को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसके एक उदाहरण समझाएं। देखिए किस तरह एसपीएम सर ने अपनी समस्या को एक टीम बिल्डिंग के माध्यम से सॉल्व किया और इस तरह के उदाहरण हमारी जिंदगी में आते रहते हैं अक्सर। यदि एक ब्रांच ऑफिस में दो या तीन कर्मचारी हैं और दूसरे ब्रांच ऑफिस में एक कर्मचारी ही सारा काम संभाल रहा है तो मासिक मेलों में और दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वे हमसे मदद मांगते हैं। ब्रांच ऑफिस पास में होता है, ज्यादा से ज्यादा एक या दो किलोमीटर दूर। ऐसे में हम जाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम तीनों उनके गाँव जाते हैं, वहाँ हम कैंप लगाते हैं और लोगों को समझाते हैं। इससे दूसरे ब्रांच ऑफिस को कुछ मदद मिल सकती है। जब भी हमें उनसे कुछ मदद की आवश्यकता होती है तो हम उनसे ही मदद ले लेते हैं। उदाहरण के लिए मेलों के दौरान तो वे भी हमारे गांव आते हैं और हम साथ मिलकर काम करते हैं। और इस तरह हम सबको अपनी समस्या को टीम बिल्डिंग के माध्यम से हल करना चाहिए। थैंक यू सो मच।